दोस्तों, अगर आप भी हाई ब्रोकरेज चार्जेस से परेशान हैं या फिर न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज हम आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, अगर आप उस प्लेटफॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आप पर ऑर्डर 50% तक के ब्रोकरेज चार्जेस सेव कर सकते हैं। जनरली मार्केट में जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, चाहे वो अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, जितने भी पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, पर सक्सेसफुल इक्विटी ऑर्डर में 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे उसमें सिर्फ 10 रुपीज़ पर सक्सेसफुल ऑर्डर चार्ज लगता है। तो फ्रेंड्स, उस प्लेटफॉर्म का नाम है एडलवाइज ब्रोकिंग लिमिटेड। अगर आप हमारी दिए हुए लिंक से इसमें अकाउंट बनाते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज पे करने को नहीं पड़ता है। दोस्तों, एडलवाइज लिमिटेड 7 फरवरी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी इंडिया के अलावा सिंगापुर, हांगकांग, यूएसए एंड यूके में अपनी बिजनेस कर रही है। लास्ट 15 साल से ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये बिल्कुल ही एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इसमें आप अपनी फ्री डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड किस में कितना चार्जेस लगती है। फर्स्ट, आप देख सकते हैं इसमें अकाउंट बनाना बिल्कुल ही फ्री है। इसमें मंथली फीस देने को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर इक्विटी डिलीवरी सक्सेसफुल ऑर्डर 10 रुपीज़ चार्ज लगता है। यानी अगर आप कोई भी शेयर बाय या सेल करते हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपीज़ देने को पड़ता है, जो कि दूसरे ब्रोकरेजेस में पर ऑर्डर 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इंट्राडे में भी 10 रुपीज़, फ्यूचर में भी 10 रुपीज़, ऑप्शन में भी 10 रुपीज़, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी 10 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर चार्ज लगता है। जैसे कि आपको बताया था, दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो इसमें आपका फ्लैट 50% चार्जेस सेव हो जाता है। अगर आप रेगुलर शेयर्स बाय या सेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि एज ए ब्रोकरेज चार्ज आपकी बहुत सारा पैसा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर ये कंपनी फ्रॉड निकली तो, या फिर आपके सारा शेयर्स लेके भाग गया तो आपका तो बहुत सारा पैसा लॉस हो जाएगा, अरे भाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम जो शेयर्स की बाय या सेल करते हैं हम डायरेक्ट NSDL या फिर CDSL से बाय करते हैं। NSDL स्टैंड्स फॉर NSE एंड CDSL स्टैंड्स फॉर BSE। और ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये सिर्फ मीडिएटर की तरह काम करते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स पहले SEBI से अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर मार्केट में लिस्ट होते हैं। आप जब भी शेयर से बाय करेंगे आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी में आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको सारे डिटेल्स एंड कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। तो आपका डीमैट अकाउंट चाहे किसी भी ब्रोकर के पास क्यों ना हो, उसके भाग जाने पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि शेयर से हम डायरेक्ट NSDL या फिर CDSL से बाय करते हैं। अब बात करते हैं इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, इसमें अकाउंट बनाने के लिए बेसिकली आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की भी ज़रूरत होती है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो विद इन 15 मिनट्स आपके डीमैट अकाउंट रेडी हो जाएगा। इसमें अकाउंट बन जाने के बाद आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, IPOs में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज के ज़माने में बिना मोबाइल फ़ोन के कुछ भी काम नहीं होता है, वैसे ही बिना डीमैट अकाउंट के आपको कभी भी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं हो सकती है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक में क्लिक करके अपने फ्री का डीमैट अकाउंट ज़रूर बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।